गढ़रवारा के पास इमलिया पिपरिया गांव में नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे 14 लोग बैठे हुए थे, मनोरंजन के लिए ताश के पत्ते खेल रहे थे। अचानक आकाशीय बिजली इन लोगों के ऊपर गिरने से ये घायल हो गए। सभी लोगों को गढ़रवारा के शासकीय अस्पताल लाया गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। एक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, जिसको नरसिंहपुर रेफर किया गया। बाकी लोगों का गढ़रवारा हॉस्पिटल में ही इलाज जारी है। बिजली गिरने से घायल हुए लोगों को देखने के लिए नेताओं का हुजूम अस्पताल में लग गया। आकाशीय बिजली गिरने से घायल मनोज यादव, लक्ष्मण चौधरी, हरीश कौरव, कीरत लाल सिंह राजपूत, रामलाल साहू, ओम प्रसाद साहू, कौरव श्यामलाल कौरव, जसवंत कौरव, दीपक चौधरी, नंद किशोर राजपूत, चंदन यादव, कल्लू झारा, आकाशीय बिजली की ये लोग चपेट में आए। शासकीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राकेश बहरे ने कहा, जैसे ही हमको जानकारी मिली हम लोग पहले से तैयार थे, सभी लोग रिकवर हुए हैं, 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे, कुछ लोगों को रेफर किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 चीज़ें गंभीर रूप से होती हैं, हार्ट में करंट चला जाता है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन में करंट चला जाता है, ब्रेन शिथिल हो जाता है, चमड़ी जलने की भी घटना होती है। शासकीय अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए पूर्व विधायक साधना स्थापक, भाजपा नेता गौतम सिंह पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, डॉक्टर योगेश कौरव, कांग्रेस नेता मक्षले पटेल, मोना कौरव, जिनेश जैन और अन्य भाजपाई कांग्रेसी नेता, नगर के गणमान्य नागरिक सभी घायलों को देखने पहुंचे। आज आप लोग क्या कर रहे थे जब वहाँ बिजली आकाशी गिरी? बैठे थे। कितने लोग थे आप? ऐसा ही 20 लोग। पेड़ के नीचे थे क्या? हाँ। वहाँ कर क्या रहे थे? बैठे ही थे। फिर क्या हुआ? फिर का एकदम से बिजली चमकी, गिर गए, फिर बेहोश हो गए, फिर पता नहीं। आपका नाम क्या है? हरीश। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। किस क्लास में? 9th। आपको क्या हो रहा है इस समय? घबराहट हो रही। और झिनझिनी चढ़ रही है। आपका नाम क्या है? रामलाल। किस गांव के रहने वाले हैं? एमलिया। आकाशीय बिजली अचानक गिरी, आप सभी लोग वहां क्या कर रहे थे? सब बैठे थे, बादल गरज रहा था, हम बैठे थे, बस इतना ही खबर है। कहां से कैसे गिर गई भगवान जाने, कोई ने नहीं देख पाई। जब बिजली गिरी तो उस समय कैसा क्या वहां का माहौल हुआ? सब ज्यों त्यों बेहोश होगा, तो कोई पता नहीं कहा होगा कैसे कहा। तो हम पहुंचे जब आदमी ने देख कर झका होगा, जब आए उठा गला। बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हाँ, 18 आदमी। आप बेहोश हो गए थे क्या? सब बेहोश हो गए थे। आंसी लगी, क्या हो गया थे मार जनक से। शासकीय अस्पताल में जो इलाज चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल राइट। तन्ना जी पाँव तन्ना पाँव दुख रहा है, तन्ना जब पेशाब में दिक्कत पड़ रही, और कुछ नहीं, सब राइट है बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जसवंत सिंह कौरव। किस गाँव से हैं? इमलिया के। आज अचानक कैसा क्या हुआ वहाँ पर? अचानक ऐसा हुआ कि हम पैसा पत्ता खेल रहे थे, मुझके आदमी हटे 16-17 जने भी थे, तो पानी गिरन लगो तो हम बछाए में खड़े हो गए, तो हम लोग जब भीन जाए तो लोग जो खुल जाते हम चले जाएँ, तो अचानक का पता का हुआ है जो भगवान जाने, हमें पता नहीं है, और हम सब बेहोश होकर वहाँ पर गिर पड़े। कोई लुढ़क गाओ, कोई ढुड़क फुड़क है, तो रोड पर आ गए, फिर आदमी उठा के लाए, अब जो हमें पता नहीं कौन कौन है उठा के ले आएगा और कौन कौन है ले आएगा। जब ये घटना घटी थी तो बहुत जोर से आवाज़ आई थी बिजली गिरने की, हमें समझ में नहीं आई क्या होगा। जब हमारे झटका लगा, जब ही हम बेहोश हो गए, जब ही हम बेहोश हो, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। आपको चोट कहाँ कहाँ आई है? मूड़ में है और कैनी में, हम गिरे हैं चौंतरा पर। अस्पताल में जो इलाज हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी, कोई दवाई हो गई है। आज गढ़रवारा नगर में इमलिया गांव में बिजली अचानक गिरने से 14 लोग घायल हो गए हैं। शासकीय अस्पताल में किस प्रकार का इलाज चल रहा है उनका? शासकीय अस्पताल में लगभग 2:15 बजे पता चला कि कुछ गंभीर आने वाले हैं, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर थे। जैसे ही वो लोग आए तो उनके लिए हम लोगों ने पूरा फर्स्ट एड दिया, और इसके कारण सारे लोग लगभग रिकवर हुए। उनकी स्थिति, उनमें 3 लोग गंभीर, 4 लोग बहुत गंभीर स्थिति में थे,
उनमें से हम लोगों ने अभी कुछ को रेफ़र किए हैं, कुछ को बेचैनी महसूस हो रही थी, कुछ जल गए थे, कुछ के सिर में चोट थी, हाथ पैर में चोट लग गई थी, वहाँ जैसे ही बिजली गिरी सारे लोग बेहोश हो गए थे। फिर उनको विभिन्न गाड़ियों से लेके आए तो उनका पूरा प्राथमिक उपचार किया और उसके बाद हमारे 5 लोग अन्य जांच के लिए नरसिंहपुर गए हैं। बाकी वो 5 भी हमारे अभी सुरक्षित हैं और यहाँ जितने भर्ती हैं वो लोग भी सुरक्षित हैं। कुछ 4 लोग हमारे अब प्राथमिक उपचार के बाद घर चले गए। आकाशीय बिजली गिरने से किस प्रकार की अवस्था होती है मरीज की? आकाशीय बिजली जैसे ही गिरती है तो 2 चीज़ें बहुत नुकसान में आती हैं। एक होता है कि हार्ट में अगर करंट चला जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन में करंट चल जाए तो सुन्नपन आता है। इन सारे लोगों में ब्रेन में भी असर हुआ, एक दादा को हार्ट में भी असर हुआ और चमड़ी जलने की घटनाएं भी हुई, तो सभी प्रकार की। और दूसरा एक के सिर में फटने से ब्लीडिंग हुई, तो ऐसी विभिन्न प्रकार की चोट लगने से, जलने से, करंट के प्रभाव से नुकसान होता है। और ऐसी स्थिति में अगर तत्काल उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना लिया जाए तो वो सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये अच्छा किया गांव वालों ने कि उनको तत्काल यहाँ ले आया, जिससे कि उनको प्राथमिक उपचार करने में ही सब लोगों का जीवन सुरक्षित हो गया। आज गाडरवारा में एमएलिया पिपरिया गांव में अचानक आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित ही ये प्रकृति का एक प्रकोप ही है, क्योंकि मौसम ये नहीं है। उसके बाद भी जैसे ही मुझे पता लगा, मैं रास्ते में थी तो यहाँ पर आई, डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी ली, कुछ लोग जो गंभीर थे उनको रेफ़र किया है और बाकी सब लोग मैं खुद देख के आ रही हूँ ठीक हो रहे हैं, उनकी ड्रिप भी चल रही है, इंजेक्शन भी लगे हैं, सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लोग तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जो रेफ़र हुए हैं उनकी जानकारी हम लोग लेते हैं। प्राकृतिक आपदा में जो घटना घटती है, क्या सरकार के द्वारा ऐसा कोई इनको, अगर सरकार के द्वारा इस नियम में आएंगे, वैसे ईश्वर की बड़ी कृपा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हम लोग राजस्व में SDM साहब से बात करेंगे। गडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।